सिर्फ
इस्लाम है। आपने आयत हजार मरतबा सुनी होगी, हर खतीब से सुनी होगी, हर मुबल्लिग से सुनी होगी, लेकिन मैं आपको एक पहलू की तरफ मुतवज्जे करना चाह रहा हूँ। मैंने तर्जुमा किया है कि इन्नतीना इंदल्लाह, बेशक इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक, दीन सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है, इसके अलावा कोई दीन नहीं है। अब बाज हजरात जो हम में से तर्जुमा होता है, जो तर्जुमा करते हैं, वो तर्जुमा इस तरह से करते हैं कि इन्नतीना इंदल्लाह इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। अगर आप मुतवज्जे हो रहे हैं, मतलब मैं तुम्हारी गुफ्तगु नहीं करूंगा, लेकिन थोड़ी देर मुतवज्जे रहिएगा, बेशक अल्लाह के नजदीक जो पसंदीदा दीन है वो दीन इस्लाम है। देखिए आयत में लफ्ज़ से पसंदीदा और गैर पसंदीदा की कोई बात ही नहीं हो रही है। तो जा रहा हूं भाई, पसंदीदा इसका मतलब यह है कि दीन इस्लाम के अलावा कोई और दीन भी अल्लाह के नजदीक जो गैर पसंदीदा दीन है। आप तवज्जो ही बात यानी गैर पसंदीदा दीन कोई और दीन भी है जो आप कह रहे हैं कि अल्लाह के नजदीक को पसंदीदा दीन नहीं आए, सिर्फ और सिर्फ पांचवा लफ्ज है ही नहीं, इतना बेशक इंदल्लाह अल्लाह के नजदीक दीन दीन इस्लाम इस्लाम। अब पसंदीदा और गैर पसंदीदा की तो कोई बात ही नहीं है, और ये जो दीन है ये कोई नबी नहीं लेकर आए हैं और न ये कोई माया दीन है, बल्कि इरशाद अल कुरान में मिल्लतो अबीकुम इब्राहीम, ये दीन दीन इस्लाम के इब्राहीम आए हैं, वो सम्मा हुआ मुस्लिम और तुम्हारा नाम जो मुसलमान है वो इब्राहीम ने रखा। अच्छा दीन है जिसका नाम है इस्लाम, क्या हमने कलमा पढ़ लिया और कलमा पढ़ लेने से हम मुसलमान हो गए? मेरा सवाल है आपसे, हम कलमा पढ़ते हैं तो क्या हमने कलमा पढ़ लिया मुसलमान है? रोजा रख लिया मुसलमान है? हज कर लिया मुसलमान है? अमामा लगा लिया हम मुसलमान है? कबा पहन लिया हम शिया हो गए? कबा पहनना और है, शिया होना और है। अब जरा बोल मेरे दीन को पहचाने, दीन है क्या? पेशानी पर लंबा चौड़ा सरदेगा का निशान होना इस बात की अलामत नहीं है कि हम मुसलमान हो गए। हम रोजा रखते हैं, हम नमाज मुसलमान है, हम नमाज पढ़ते हैं, क्या मुसलमान है? देखिए मेरी बात का गलत रिएक्शन ना हो जाए। नमाज जुज़्वे दिन है, नमाज जुज़्वे इस्लाम है, लेकिन ये जो दीन है जिसका नाम ही इस्लाम है, क्या सिर्फ हमने कलमा पढ़ दिया हम मुसलमान है, हम रोजा रखते हैं मुसलमान है? नमाज जुज़्वे इस्लाम है, नमाज जुज़्वे दीन है। अब मैं आपके साथ हदीस पढ़ रहा हूं, उसूल काफी में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम इशार फरमाते हैं कि ज़िनाकार काफिर नहीं है। एक आदमी ने ज़िनाकार बताए, मोमिन ज़िनाकार काफिर नहीं है। मुझे बताए मोमिन होने का होता है नहीं होता है? भाई बता सकते इतनी बात तो आप, मोमिन गुनेगार होता है अगर गुनाह ना करे तो मासूम हो जाएगा, तो मोमिन ज़िनाकार मोमिन नहीं है। जुर्म किया उसने सजा मिलेगी, डंडे खाने मुमकिन है पाक हो जाए, दो बार खाने मुमकिन हो माफ हो जाए, मगर नमाज क्या है? सुनिए नमाज का, कोई सोचे आप कहीं कहते नमाज पढ़ना कोई मुसलमान की अलामत नहीं है, मैं जिस बात की तरफ ले जाना चाहूँ तो थोड़ा तो थोड़ा छोड़ा बात गलत रूप में ना चली जाए। नमाज जुज़ में दीन है। अब हदीस सुनो, मोमिन से काफिर नहीं है, जुर्म क्या है उसने सजा मिलेगी, डंडे खाने पाक हो सकता है, तौबा कर ले माफ हो सकता है, मगर नमाज की अहमियत को समझे। मासूम फरमाते हैं जो अमतन नमाज को तर्क करता है वो काफिर है। नमाज की अहमियत को जानिए, नमाज
हम बहुत बड़े 30 मार्च हो गए, 1 घंटे से हम मस्जिद में बैठे थे, हम तो अल्लाह चले जा रहे थे, हमसे बड़ा कोई इबादत कमाल नहीं है, नमाज पढ़ना कमाल नहीं है। तो नमाज पढ़ना हुनरमंदी नहीं है, नमाज का कबूल करा लेना ये हुनरमंदी है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद, अब तो नमाज पढ़ना हुनरमंदी नहीं है, तो नमाज जुज़्वे दीन है, नमाज जुज़्वे इस्लाम है। अच्छा रोजा भाई, अगर कोई चला गया आपका फीस तो हमारी शरीर की मेदारी बनती है कि हम उसकी नमाज अदा करें, हम उसके लिए रोजे रखवाएं, हम उसकी तरफ से अगर इसके काम करता है हज कराए। रोजा असौम जुन्न को भी नंदा, रोजा क्या है? रोजा जहन्नम की सेवा है। हज अगर अल्लाह ने इस्तेदार दी है, कुदरत दी है, ताकत दी है, जा सकते हो और नहीं जाते हो पहचाने। लड़का नमाजी सब कुछ नहीं है, इस्लाम को पहचान, इस्लाम है क्या? हज अगर तुम्हें अल्लाह ने नवाजा है, ताकत दी है, कुदरत दी है, जा सकते हो और नहीं जाते हो। अब मुसलमान सुने, हज ताकत दी है, कब वाजिब होता है? हज कब वाजिब होता है? जब इस्तेदात रखते हो, इस्तेदात है, कुदरत रखते हो, जा सकते हो, कोई शय माने ना दियो। अब हदीस से मासूम है, अगर इंसान इस्तेदात रखता है, कुदरत रखता है, जा सकता है, नहीं जाता तो हदीस ये है, इस इंसान को मुसलमानों के अफसर ने दाफा कर पहचान। इस्लाम क्या है? इंद्राम तवज्जो दे रहा है, पहचाने दीन क्या? नमाज पढ़ लेना ही कमाल नहीं है, नमाज जुज़्वे दीन है, नमाज जुज़्वे इस्लाम है। मासूम फरमाते हैं, इन कोबेला कोबेला मासेवा वही रुद्दत रुद्दत मासेवा, जिसकी नमाज कबूल उसके तमाम आमाल कबूल। पैगंबर ने फरमाया, नमाज मोमिन की मेराज है। अल्लाहू अकबर, नमाज पहचाने। अस्सलातुद्दीन, नमाज दीन का सुकून है, तो जिसकी नमाज कबूल उसके तमाम आमाल कबूल, और जिसकी नमाज कबूल नहीं है उसका कोई भी आमाल काबिल कबूल नहीं है। मेरे कहने का मकसद सिर्फ यह है कि नमाज ही सब कुछ नहीं है, नमाज जुज़्वे दीन है, जुज़्वे इस्लाम है, नमाज कबूल है तो तमाम आमाल कबूल, और अगर नमाज कबूल नहीं है तो कोई आमाल कबूल नहीं है। अच्छा मैं आज सवाल आपसे, नमाज कब कबूल? भाई अगर नमाज कबूल तो तमाम आमाल कबूल, और अगर नमाज कबूल नहीं है तो कोई भी अमल कबूल नहीं है, तो नमाज कब कबूल है? अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का। अल्लाहु अकबर, मेरे बुजुर्ग तशरीफ फरमा है, साहिबान इल्म तशरीफ फरमा है, कुरान उठाए, जहां जहां नमाज कायम करने की बात हुई है तना नमाज का हुक्म नहीं आया, बल्कि नमाज के साथ ज़कात का हुक्म आया है। नमाज कायम करो ज़कात के साथ। अब अगर कोई वलम सल्ला वलम युज़क्का लम तुक़बल सलातुहु, अब अगर कोई नमाज पढ़ता है और ज़कात नहीं देता तो उसकी नमाज कबूल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया, इन्नल आमरा बिशुक्र वो बिलवालिदैन। देखिए तीन चीजें ऐसी हैं जो तीन चीजों से मिलकर बनी है, अगर पहली चीज गलत हो जाती है तो दूसरी खुद ब खुद गलत हो जाएगी। जैसे सूरज और दिन, सूरज है तो दिन होगा, जैसे आग
और धुआं आग है तो धुआं होगा। इसी तरह अल्लाह ने अहकाम में इस्लाम में तीन चीजों को तीन चीजों से मिलाकर बनाया है। अगर पहली चीज बना तो दूसरी खुद ब खुद गलत। अल्लाह ने हुक्म दिया है नमाज का, ज़कात के साथ। अब अगर कोई नमाज पढ़ता है और ज़कात नहीं देता, सलाह तो हो तो उसकी नमाज कबूल नहीं है। अल्लाह ने हुक्म दिया है अपने शुक्रिये का, अल्लाह अकबर, और अपने शुक्रिये के साथ वालिदैन के शुक्रिये का। कुरान की आयत है अनिश्कुरली वले वालिदैन, मेरा शुक्रिया अदा करो, अल्लाह अकबर, और मेरे शुक्रिये के साथ अपने वालिदैन का शुक्रिया अदा करो। अब अगर कोई मेरा शुक्रिया करता है और माँ बाप का शुक्रिया नहीं करता तो मैं अपना शुक्रिया कबूल नहीं करता। अल्लाह ने हुक्म दिया है तक्वे का और तक्वे के साथ सिलाए रहम का। याद रखे सिलाए रहम, सिलाए रहम सिर्फ ये नहीं है इस्लाम का पहचान। मैंने जो कहा कि नमाज और भी चीजें फकत नमाज ही नहीं है, सिलाए रहम आप सिलाए रहम करोड़ों में आप मदद करें अपने अजीज अकरम की, इसी का नाम सिलाए रहम नहीं है। मुमकिन है तुम्हारा अजीज रिश्तेदार जो तुमसे ज्यादा मालदार हो तो वह चोरी देगा, मुमकिन हो कि उससे अच्छे हालात में हो। आप माल और दौलत देना फकत सिलाए रहम नहीं आता, सलाम करना भी सिलाए रहम आता है। इस्लाम को पहचान है, आप किसी को देखकर मुस्कुराते हैं अस्सलाम वालेकुम, ये भी सिलाए रहम है। इमाम सादिक अलैहि सलातुल्लाह सलाम, एक बात आज कल मुझसे आप तो ना रखना हुल्लड़ हंगामा में करूंगा, चूंकि मेरा ना आदत है और ना मिजाज है, चूंकि मैं भी अपनी शरीफ जिम्मेदार जानता हूँ और इस मिंबर के मुकाम को भी जानता हूँ। एक सवाल बड़े मोहम्मद आलम सिलाए रहम, इसलिए कि आज का जो दौर है मेरा मकसद नाउजुबिल्लाह तंकीद करना नहीं है, इसलिए कि दौर यही है जो जितना बड़ा मक्कार है वो उतना बड़ा अकलमंद कहलाएगा। मैंने बड़े शाइस्ता से बात कही है, जोर लगाना ये कमाल नहीं है। इसका मतलब ये नहीं अगर मैं जोर लगाता तो बात कमाल की होगी, खामोशी से कह देना और आपका समझ लेना। अगर मुझे मक्कारी से नफरत न होती तो लोगों में मुझसे ज्यादा होशियार कोई न होता। एक सलाम है मोहम्मद, अगर अल्लाह ने आपकी दुआ में खुदा के हमें नवाजा है, हम दो सीढ़ी ऊपर आ गए। इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो किसी की तोहीन करने लगे, किसी की दिल आजारी करने लगे। मिंबर ये नहीं सिखाता, अगर हमने समझे हमने बेवकूफ बना दिया तो आपने मोमिनीन का बेवकूफ नहीं बनाया बल्कि अपना बेवकूफ बनाया। आप गौर कीजिएगा हदीस और आयात की रोशनी में, तो सिलाए रहम खिला देने का नाम नहीं है, सलाम करना ये भी सिलाए रहम आता। मैंने शशो इमाम की हदीस आपके सामने पेश करना चाहता हूं। इमाम सादिक के पास एक इंसान आया और उसने कहा मौला वो तो हमारे अजीज है रिश्तेदार है, वो हम पे बड़ा जुल्म करते हैं, सुबह निकलते हैं दो गाड़ी, घर में जाते दो गाड़ी, खेत में जाते दो गाड़ी, मौला मैं क्या करूं उनके साथ, पहचाने की क्या था, इस्लाम का मिजाज क्या था। मौला
क्या मैं उनको छोड़ दूं? आपने कहा कि हमसे मशवरा लेने आया है, तो हमारा मशवरा यह है कि अपने रिश्तेदार को मत छोड़। वो चला गया। कुछ दिनों के बाद, एक जमाने के बाद मौलाना उससे मुलाकात हुई। मां ने पूछा, भाई को हमारे बड़ा रिश्तेदार का क्या हाल है? कि मेरा लहजा है, मामे ऐसे नहीं बोल रहे थे कभी, आप समझे मौलाना साहब का मौला ऐसे बोल रहे थे, क्योंकि हर बात हर तुमकी रोकती है, तो लिया तो बात को बड़ा तो बात को भाई वो तुम्हारे भला रिश्तेदार का क्या हाल है? तब मौला क्या पूछते हो? कोई उन्हें डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, कोई बीमारी में मर गया। क्या पूछते हो? कोई डूब के मर गया, कोई जल के मर गया, कोई बड़ा बीमारी में मुबतला होकर मर गया, तभी तो थोड़ा बड़ा बच्चे नहीं, कोई डूब के मर गया, कोई लबोलिए जल के मर गया, कोई फला बीमारी में मुबतला होकर मर गया। फजल रसूल ने फरमाया, जानते हो और मौलाना सबसे बड़ा कमाल तो यह है, उन्होंने जो हमारा माल कब्जाया था वो भी मुझे मिल गया और उनका माल भी मुझे मिल गया। अल्लाह हू अकबर। सुना इस सिपाही का, उनका माल भी मुझे मिल गया। मौलाना ने फरमाया, तू जानता है ऐसा क्यों हुआ? कहा नहीं मौला। कहा क्योंकि तुमसे उन्होंने कदाए रहने की, तो लिहाजा कदाए रहने की बिना पर कोई उनमें डूब के मर गया, कोई चल के मर गया, कोई